गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। आज हम करने जा रहे हैं संस्कृत का चैप्टर नंबर 4 क्लास 8 में से, जिसका नाम है एहि सुधीर। तो यहाँ पर इस पाठ के अंदर, इस कविता के अंदर जो लेखक हैं, जो कवि हैं, वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम स्टेंजा वाइज इसको पढ़ेंगे और इसका अनुवाद मैं करता जाऊँगा आपके लिए। तो आप देख सकते हैं पहले लिखा गया है ए सुधीर एहि सुविक्रम, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि आओ सुधीर आओ सुविक्रम, हम खेल के मैदान में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? खेल के मैदान में। वी विल गो टू द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में चलते हैं। वहाँ पर हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करेंगे? दौड़ेंगे, कूदेंगे, खेलेंगे। यानी कि प्लेग्राउंड में जाकर हम दौड़ना, कूदना, खेलना, ये सब एक्टिविटीज़ करेंगे, ताकि जो हमारा शरीर है, हमारा जो बॉडी है, वो स्ट्रांग हो जाए। किसकी तरह स्ट्रांग हो जाए? वज्र की तरह है। हमारी काया जो है वज्र की तरह स्ट्रांग हो जाए। तो यहाँ पर पहले स्टेंजा में जो कवि हैं, वो हमें अपने शरीर को सुडौल और स्वस्थ बनाने के ऊपर जोर देते हैं। आगे देखते हैं दूसरे स्टेंजा में क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है आओ सुशीला आओ मृणालिनी, और हम कहाँ चलते हैं? पुष्प वाटिकाम, यानी कि हम गार्डन में चलते हैं। पहले वो लोग कहाँ गए थे? प्लेग्राउंड में गए थे। अब सुशीला और मृणालिनी कहाँ जा रहे हैं? पुष्प वाटिका, यानी कि गार्डन में जा रहे हैं। और वहाँ पर विविधे अलग अलग तरह के, वो क्या लेंगे वहाँ से? अलग अलग तरह के फूल, अलग अलग तरह के फूल लेकर वो उसे क्या बनाएंगे? मालम, माला बनाएंगे। और फिर माला किसको चढ़ाएंगे? वो विघ्नहर्ता श्री गणेश को। तो यहाँ पर कहा गया है पुष्प वाटिका, हम चलते हैं कहाँ? एक गार्डन में चलते हैं, और वहां पर हम अलग अलग तरह के फूल लेकर उसे एक माला बनाएंगे, और माला हम वो किसको अर्पित करेंगे? श्री गणेश को। आगे देखते हैं हम, आगे कहा गया है एहि दिनेश प्रणव गणेश। यहां पर कहा गया है कि आओ गणेश दिनेश प्रणव, ये कह रहे हैं आओ, और हम कहां चलें? ज्ञान का खजाना लेने चलते हैं। कहाँ चलते हैं हम? ज्ञान का खजाना लेने चलते हैं। एहि शारदे गिरजे वरदे ज्ञान वारिधो विहराम। आगे कवि कहते हैं कि दिनेश प्रणव गणेश आओ, हम ज्ञान का खजाना लेते हैं, यानी कि ज्ञान रूपी खजाने को हम हासिल करते हैं। और आगे वो कहते हैं शारदा गिरजा और वरदा आओ, और हम ज्ञान रूपी सागर में गोता लगाएं, यानी कि ज्ञान को एकत्रित करें। आगे स्टेंजा के अंदर कवि कहना चाहते हैं तन्व मनसा हिं चरंत सदा गुरुन अनुगच्छाम, इसका मतलब क्या होता है? आगे कवि कह रहे हैं कि हम लोग जो कि दूसरों के लिए अच्छा काम करते हैं, यानी कि हित, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, सबके लिए हित के लिए सबके काम करते हैं, हम अपने गुरु यानी कि अपने शिक्षकों को, अपने गुरुओं को फॉलो करें, उनको, उनके दिखाए मार्ग पर चलें, और उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए हम भारत मातो यानी कि भारत माता जो है, मदर इंडिया, उसको सेवा सत्कार, उसका से उसकी सेवा करें, उसको उसके हित के लिए काम करें, यानी कि अपने देश के हित के लिए काम करके देश का नाम और ज़्यादा रोशन करें। तो यहाँ पर चौथे स्टेंजा के अंदर हमने देखा कि जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं कि हम अपने गुरुओं के दिखाए हुए रास्ते पर, मार्ग पर चलकर भारत माता का नाम रोशन करने के लिए इसकी सेवा करें, सदा इसकी सेवा करने के लिए तत्पर रहें। तो ये थी हमारी कविता एहि सुधीर, जिसे लिखा है जनार्दन हेगड़े ने।